हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 31 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली फ्रॉम द स्पोर्ट्स। तो अभी टोक्यो में पैरालंपिक्स चल रहे हैं एंड ओलंपिक्स खत्म होने के बाद पैरालंपिक्स स्टार्ट होते हैं जिसमें डिसेबल्ड लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट में, एंड जिसमें इंडिया अभी तक 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। ठीक है, और जो अगर एक गोल्ड जो जीता है तो गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखेरा एंड सुमित ने इन दी जैवलिन थ्रो। ओके, और वही 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज भी आया। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। एंड हम बात करें तो अभी तक की इंडिया की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है पैरालंपिक्स में अभी तक। ओके, सो लेट्स सी, अभी भी इवेंट्स बचे हुए हैं, देखते हैं कि इंडिया का और कितने मेडल आ सकते हैं पैरालंपिक्स में। और इंडिया के भी रैंक अराउंड 26 है। ओके, मूविंग फॉरदर। सो काबुल एयरपोर्ट पर फिर से अटैक हुआ। ठीक है, रॉकेट से टारगेट किया गया काबुल एयरपोर्ट को, लेकिन अभी तक जो न्यूज आई उसमें कोई भी पर्सन या फिर किसी भी कैजुअलिटी की न्यूज नहीं आई, ओके, सो वही बताया गया कि कल लास्ट डे था, मतलब ट्यूसडे इज द लास्ट डे फॉर द यूएस के लिए, और यूएस ने अपनी सारी फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। है ना, ट्यूसडे लास्ट डे था, उन्होंने पूरे तरीके से विड्रॉ कर लिया है। ओके, सो काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से अटैक भी किया गया बाय द आईएस, इस्लामिक स्टेट, आईसिस, लेकिन किसी की भी डेथ की या किसी भी कैजुअलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं आई। Moving further, so what happened? Indian government ने बोला था कि ठीक है, अभी वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी। तो सबसे पहले जब वैक्सीन बनी थी तो गवर्नमेंट का स्टैंड था कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट एंटिटीज ही वैक्सीनेट करेंगी, लेकिन उसके बाद जब ये क्वेश्चन रेज होने लगे कि प्राइवेट एंटिटीज को भी परमिशन मिलनी चाहिए टू वैक्सीनेट दी पीपल इन इंडिया, सो गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि ठीक है, प्राइवेट एंटिटीज भी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो है ना, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वैक्सीनेट करवा सकते हैं, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं टू द पीपल, और पेड होगा वो, मतलब वो प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उनको पेड रखना है पेड रखें, अनपेड रखना है अनपेड रखें। लेकिन लेकिन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पेड रखा, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पटनिक भी दी जा रही थी, है ना। लेकिन एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर हम बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, सो उन दोनों वैक्सीन्स का अराउंड 10% डोसेज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गए। कितने? सिर्फ 10% गए, और उन 10% में से भी अराउंड 65% लोगों को वैक्सीन लगाई गई, मतलब 65% ऑफ द वैक्सीन को यूज किया गया। लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर 100 वैक्सीन बनी है, ठीक है, तो 100 में से 10 वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गई हैं और रिमेनिंग जो बची 90% किसको? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को गई हैं, ठीक है, और 90 वैक्सीन, और 10 वैक्सीन में से सिर्फ 6.5 वैक्सीन का यूज किया गया, मतलब 6.5 लोगों को वैक्सीन दी गई। और वहीं जो 90 वैक्सीन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को गई है ना, उसमें से अराउंड 9.97%, मतलब अगर 9.7% निकालेंगे तो अराउंड 8.7 कुछ निकलेगा, 8.6 या 8.7, तो 8.6 या 8.7 वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई, 86 वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई, नॉट 8.6, 86 वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का परफॉर्मेंस कितना खराब है वैक्सीनेशन में, यह बताया गया। मूविंग फर्दर, सो एक स्टडी सामने आई, और एक स्टडी में बताया गया कि रिसेंटली अभी स्टडी हुई थी जिसमें से हम बात करें CSIR, ठीक है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनिज्म एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के लोग भी थे, साइंटिस्ट थे, और मैक्स हॉस्पिटल जो कि दिल्ली और गुरुग्राम, उनके हेल्थ वर्कर्स भी थे। तो उन्होंने स्टडी किया, उसमें बताया गया कि हेल्थ स्टाफ जो कि पूरे तरीके से वैक्सीनेट हो गए थे, ठीक है, एक सर्वे हुआ, ठीक है, 600 लोगों के बीच में सर्वे हुआ कि एक हेल्थ स्टाफ जो कि 600 लोगों का स्टाफ था, उनको पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया गया। उसके बाद भी अराउंड 25% ऑफ द टोटल वैक्सीनेट, ये 600 लोगों का 25%। अगर हम बात करें तो 25% इज अराउंड, मतलब इसका निकल रहा है 150, तो 150 फिर से इन्फेक्टेड हो गए, फिर से रीइंफेक्टेड हो गए। मतलब डोजेस दे दिए गए थे, उसके बाद फिर से रीइंफेक्ट हो गए 150 हेल्थ स्टाफ। ये सर्वे किया गया 600 लोग में, तो 25% ऑफ द जो है 20% ऑफ द हेल्थ वर्कर्स जिनको ऑलरेडी वैक्सीनेट दे दिया गया था, वो लोग फिर से इन्फेक्ट हो गए कोविड-19 के। लेकिन अच्छी बात ये है, अच्छा ये सबसे ज्यादा परसेंटेज निकल के आया अभी तक का रीइंफेक्शन का सबसे ज्यादा परसेंटेज निकल के आया आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड, सबसे ज्यादा परसेंट निकल के आएगा किसी भी स्टडी में। लेकिन अच्छी बात यह है किसी भी पर्सन को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, किसी भी पर्सन को हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया। तो इससे यह पता लगता है कि हम लोग एक उस पीरियड से निकल चुके हैं, उस सिचुएशन से निकल चुके हैं जिसमें कोविड-19 अब इतना हार्मफुल नहीं रहा। मूविंग फॉर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ओके, विल स्किप द सिटी न्यूज। मूविंग फॉर्दर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट बच्चा, या सो दिस इज अगेन अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, या सो द नॉर्थ ईस्ट पेज। सो व्हाट हैपन, हम असम की बात करें तो असम में फ्लड की सिचुएशन बहुत ज्यादा होती रहती है, क्योंकि असम का जो लोकेशन है ना, असम इज समथिंग लाइक, अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो ऐसा कोई सिचुएशन है। और यहां पर आता है असम, ये है असम, ओके और यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ब्रह्मपुत्रा रिवर जब टर्न लेती है ना तो यहाँ है माउंटेन्स, कर्व शेप में है माउंटेन्स। तो ब्रह्मपुत्रा जब टर्न लेती है और जब मानसून का सीजन होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, जिसके चलते यहाँ इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द असम में बहुत ज्यादा फ्लड्स आने लगता है, ठीक है, जिसके चलते ये हर साल की सिचुएशन है। हर साल ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से फ्लड्स आती है इन द स्टेट ऑफ असम, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ असम, ओके। और वही बताया गया कि अच्छा एक नेशनल पार्क भी है असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो अराउंड 70% ऑफ द काजीरंगा जो है वो सबमर्ज हो चुका है वाटर में। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो सबमर्ज हुआ है ना एरियाज, वो कुछ दिनों के अंदर सही हो जाएगा, है ना, वो कुछ दिनों तक अंदर सही हो जाएगा, क्योंकि ये अभी बस टेम्परेरी है, परमानेंटली जो हम लोग फ्लड से वापस निकल आएंगे। मूविंग फर्दर, सो योगी आदित्यनाथ का पैट प्रोजेक्ट था टू मेक अ फिल्म सिटी इन दी सिटी ऑफ नोएडा, ठीक है, नोएडा सिटी में वो फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, और फिल्म सिटी का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इन दी मंथ ऑफ जनवरी नेक्स्ट ईयर, और December 31st तक ये पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी को टेंडर मिलने वाला है। और ये फिल्म सिटी जो बन रही है ये PPP मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर है, ठीक है, PPP मॉडल पर है। और जो फिल्म सिटी है ये 1000 एकड़ में बनेगी, है ना, 1000 एकड़ में ये प्रोजेक्ट होगा, और इसका जो कॉस्ट है इट्स 6,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए जाएंगे। मूविंग फर्दर, सो आज सदर्न और वेस्टर्न रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है फ्रॉम आर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, सो वी डायरेक्टली मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल है। सो फर्स्ट वन इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज। तो ये इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया तो क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा अटेंटिव है, बहुत ज्यादा अलाइव है, बट अदर नेशन से ज्यादा अलाइव नहीं है, और इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, इसको अपन पढ़ेंगे। और वही एक और चीज है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसको अपन पढ़ने वाले हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट एडिटोरियल जो है इट्स अबाउट द मैरिटल रेप के बारे में है, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके बारे में है, ओके, तो इसको अपन पढ़ने वाले हैं। And the second editorial, it's about the still hanging fire on transparency. So it's about के अभी भी political parties में, अभी भी पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन है बहुत ज्यादा। पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल्स, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं या क्रिमिनल्स होते हैं, उनको टिकट्स देते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो ये अपन को डिस्कस करना है। तो ये 3 एडिटोरियल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट विल डिस्कस this editorial, India is indeed walking the green talks. अब ये है क्या? So what happened? सबसे पहले ऑथर ने बताया कि सबसे पहले क्वेश्चंस पूछे ऑथर ने कि अगर हम बात करें तो अभी जो एग्रीमेंट हुआ था G20 नेशंस के बीच में, जो एग्रीमेंट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इन दिसंबर 2020, सबसे ज्यादा अगर कोई कमिटेड नेशन है तो वो इंडिया है, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक है वो टॉप 10 में आती है फॉर दी कॉन्जिक्यूटिवली फॉर द 2 years क्लाइमेट चेंज पर्सपेक्टिव में, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालती है। सो टॉप 10 नेशन में इंडिया का क्लाइमेट चेंज में आता है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था G20 नेशंस के बीच में उसको कितनी तरीके से फॉलो कर रही है, उसमें टॉप 10 में आती है वो। उसके साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे एलिमिनेट किया जा रहा है ना, कैसे एलिमिनेट कर रही है, और उन एलिमिनेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो स्कीम्स लेके आ रही है, और स्कीम का एक उज्ज्वला स्कीम लेके आई, उज्ज्वला स्कीम का उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। एलईडीज इज समथिंग जहां से ग्रीन हाउस जो गैस है वो लेस एमिट होती है एज कंपैरिजन टू दी, अगर आप दूसरी बेसिकली बल्ब्स को जलाते हो आप, तो उनमें सब्सिडीज दी जा रही है, ठीक है। अब बात करें इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है ना, वही चीज बताई गई। देखा गया कि इंडिया के ऊपर हमेशा से प्रेशर बनाया जाता है कि इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी, मतलब COP26 जो है, जो कि शेड्यूल्ड है अभी नवंबर 2021 में ग्लासगो में, उसमें हमेशा से प्रेशर बनाया जाता है, इंटेंसिव प्रेशर बनाया जाता है कि भैया आपको जो भी मीटिंग हुई थी दिसंबर 2020 में पेरिस एग्रीमेंट को लेकर, उनको फॉलो करना है। और रिसेंटली अभी आलोक शर्मा भी आए थे जो कि COP26 के प्रेसिडेंट है, और यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट जॉन कैरी भी इंडिया में विजिट किए, जिनका मेन यही था कि इंडिया कमिटेड रहे कि उसको कार्बन को रिड्यूस करना है बाय द ईयर ऑफ 2030। लेकिन ये क्वेश्चन रेज करता है कि इंडिया के ऊपर ये अप्लाई क्यों किया जा रहा है, और क्या इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कमिटेड नहीं है क्या, जो कि पेरिस एग्रीमेंट में आया था। अब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है क्या? एक यूएन की एजेंसी है, हम बात कर सकते हैं फ्रेमवर्क है, तो दैट इज UNFCCC, ओके, सो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ओके, सो इट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ये फ्रेमवर्क था, इसके अंडर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बनाया गया कि नेशन को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कार्बन का एमिशन धीरे धीरे कम होगा और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा इशू है वो खत्म किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन वही ऑथर ने आगे बताया कि चलो ठीक है, इंडिया तो बहुत हद तक बेसिकली हम बात करें बहुत हद तक कमिटेड है इस कॉन्ट्रीब्यूशन को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन अगर हम इंडिया के प्रोग्रेस की बात करें ना तो हमें अदर नेशन से कंपेयर करना चाहिए। अगर अब इंडिया, क्वेश्चन ये रेज होता है कि भैया हम इस अचीवमेंट से कंट्रीज को क्या फायदा, इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, लेकिन इस परफॉर्मेंस से क्या फायदा, जो कंट्री परफॉर्म भी अच्छा नहीं कर रही उनको भी इंसेंटिव्स मिल रहा है, उनको भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है फेयर शेयर से, वो भी बेनिफिट एंजॉय कर रहे हैं, और जो लोग अच्छा स्टेप्स भी ले रहे हैं, लाइक इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है, लाइक इंडिया कंट्री, उनको भी वही बेनिफिट मिल रहा है। तो इंडिया का अचीवमेंट से कोई मतलब है ही नहीं, मतलब इंडिया अचीवमेंट कर रही है उसको कुछ ऐसा बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, कुछ ऐसा इंसेंटिव मिल ही नहीं रहा जो अदर कंट्रीज को ना मिल रहा हो जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो अगर आप, पहली बात तो कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कंपैरिजन हो कि अदर नेशंस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही चीज बताई गई कि अगर हम अभी करंट रेट की बात करें, ओके, अभी अगर हम करंट रेट की बात करें ना, तो 2 साल में, अभी तो सॉरी 20 साल हो चुके हैं क्योटो प्रोटोकॉल को, अगर हम उस चीज को बात करें तो अभी जो करंट रेट से इंडिया जो कार्बन इमिट कर रहा है, चाइना और यूएस जो है ना वो 2030 तक इंडिया को अचीव कर पाएंगे। मतलब अगर हम बात करें सो 2030 में जिस हिसाब से इंडिया परफॉर्म कर रहा है और जिस हिसाब से चाइना और यूएस परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंडिया बाय 2023 मान के चलते हैं अगर 1% कार्बन इमिट करता है, या बेसिकली हम बात करें तो नॉट 1%, सब मैट्रिक टन 100 मैट्रिक टन का कार्बन इमिट करता है, अज्यूम करके चलते हैं 100 मैट्रिक टन कार्बन इमिट करता है 100 मैट्रिक टन बाय द ईयर ऑफ 2030। सो यूएस और चाइना जो है ना वो 5 टाइम्स ज्यादा एमिट करेंगे, और वहीं पॉपुलेशन कम है यूएस में, और चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन सिमिलर हो जाएगी, मतलब सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ मिलियंस का डिफरेंस है। वहीं हम यूके की बात करें तो यूके 1.5 टाइम्स ज्यादा कार्बन इमिट करेगा एज कंपेरिजन टू इंडिया। वहीं ब्राजील बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट सिमिलर लेवल पर इमिट करने वाला है। ओके, ये चीज बताई गई। अब ऑथर ने बताया ऑन चाइना एंड द यूएस। अब चाइना एंड यूएस में बताया गया कि चाइना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कार्बन इमिटर है, ग्रीन हाउस गैस इमिटर है ना। और चाइना ने अभी ज्वाइन भी कर लिया रेस टू जीरो जो मिशन है, जो कि G20 नेशंस ने फॉलो किया है। रेस टू जीरो मतलब कि हमें जीरो कार्बन इमिट करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी लेके आनी है, इसका मतलब ये है बाय द ईयर ऑफ 2060। ये चाइना का टारगेट है कि हम लोग बाय द ईयर ऑफ 2060 हम लोग नेट कार्बन न्यूट्रलिटी लेके आ जाएंगे, या जीरो कार्बन न्यूट्रलिटी लेके आ जाएंगे, मतलब जितना कार्बन हम इमिट कर रहे हैं उतना कार्बन हम रिड्यूस भी करेंगे, ठीक है। और देखने की बात यह है कि चाइना अभी CO2 का इमिशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है वो पीक पर लेके जाएगी बाय द ईयर ऑफ 2030। उसके बाद फिर वो डाउनवर्ड कर्व आएगा, मतलब अभी जो कर्व है ऐसा है, अभी भी मतलब अपवर्ड कर्व में भी है CO2 के इमिशन में चाइना, और जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ये पॉइंट होगा 2030, उसके बाद से डाउनवर्ड कर्व आना स्टार्ट होगा। तो मतलब अभी भी चाइना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा, ठीक है। और ये चीज इंडियन एजेंसी नहीं बता रही, बल्कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एजेंसीज बता रही हैं। और अभी भी चाइना कमिटेड है कोल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में, वहीं जो अदर कंट्रीज है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो चाहती है भैया जो कोल इंडस्ट्रीज हो उनको हम सपोर्ट ना करें, उनको हम कम कर दें। और वही बात हम चाइना ही कर सके, तो चाइना अभी हाफ ऑफ द वर्ल्ड कोल कैपेसिटी का घर बना हुआ है, मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड कोल कैपेसिटी जो है ना वर्ल्ड की, वो चाइना में है। और रिसेंटली अब यूएस की बात करें तो यूएस ने भी पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन किया था रिसेंटली, और उसने बोला था कि हम लोग जो कार्बन इमिशन है वो 50% से 52%, 50% या 52% डिक्रीज कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे बाय द ईयर ऑफ 2030, और नेट जीरो तक हम पहुंच जाएंगे 2050 तक। लेकिन ऐसा कोई लेजिस्लेशन बना ही नहीं है, क्योंकि देखो कांग्रेस में भी डेमोक्रेटिक्स की स्ट्रेंथ है, और अभी भी डेमोक्रेटिक्स के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, तो दोनों जगह मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में, अच्छा देखा जाए तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों का हेड होता है प्रेसिडेंट यूएस में, बट लेजिस्लेटिव बॉडी तो अलग है ना। तो लेजिस्लेटिव बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी दोनों सेम पार्टीज की हैं, तो एक प्रॉपर कोई लॉ ही नहीं बन पा रहा, प्रॉपर कोई लेजिस्लेचर ही नहीं बन पा रहा। बोल जरूर दिया जो बाइडन ने कि अराउंड हम $3 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हम लोग जो कार्बन इमिट करते हैं वो कम होगा। और वहीं हम अदर नेशंस की बात करें, वहीं हम फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस बोल रहा है कि हम कार्बन रिड्यूस करने के लिए, कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने के लिए हम एविएशन इंडस्ट्रीज में बेसिकली बहुत सारी ग्रीन कंडीशंस लेके आएंगे। लेकिन एनालिस्ट ने बताया कि ऐसा कोई बेसलाइन बनाया ही नहीं गया, ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए कि कम कार्बन इमिट हो, ऐसा कोई लॉ ही नहीं बनाया गया, ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते, लेकिन बनाया ही नहीं गया। वहीं हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जब 2018 में जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जब क्लाइमेट चेंज का प्रपोजल रखा था तो उनकी सीट चली गई थी। और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा वर्नरेबल कंट्री है उस क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो खत्म होता जा रहा है, वो डाइड हो गया रिसेंट ईयर्स में, उसकी डेथ हो जाएगी। कोरल रीफ्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ग्रेट बैरियर रीफ, और हमेशा हमने हर साल देखा है, और इस साल भी हमने देखा कि फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, ठीक है। तो ये तीसरी बार है ऑस्ट्रेलिया में कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है क्लाइमेट चेंज की तो उसकी चेयर चली गई। अब वही बात अब ऑथर बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें अदर नेशंस की, क्योंकि भैया यूएसए, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमी में एनी डे बेटर है इंडिया से, लेकिन तब भी वो क्लाइमेट चेंज को लेकर वो ट्रैक पे नहीं चल रहे। वहीं इंडिया जो है वो ट्रैक पे चल रहा है और वो कमिटेड है एनडीसी को लेकर, और उसने बोला है कि बाई द ईयर ऑफ 2030 हम लोग 40% ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जो है इंस्टॉल कर देंगे, जो कि बेस्ड होगा नॉन फॉसिल फ्यूल पर। तो 40% ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर हम लोग इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी हो जाएगी बाई द ईयर ऑफ 2030। और अभी हम नवंबर 2020 की बात करें तो अभी हमारा जो शेयर है वो 38.1% है, तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और अगर हम बात की जाए तो जीडीपी में कार्बन का जो रिडक्शन है वो 20 to 25% कम हो जाएगा, और कम कर दिया 20 to 25% बाय द ईयर 2020 कम कर दिया, और 24% तक अचीव कर लेंगे, 20% तक अचीव कर चुके हैं 2005 से लेकर 2016 तक। तो इतना ज्यादा रिड्यूस करते जा रहे हैं हम लोग कार्बन एमिशन। और ये सब जो चीजें हुई ना, ये सिर्फ 2% ऑफ दी $100 बिलियन जो यूएस ने कमिट किया था कि हम डेवलपिंग नेशंस को देंगे कि वो अपने कार्बन इमिशन को रिड्यूस कर सके, उसका सिर्फ 2% अमाउंट यूज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। और इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा जा रही है, अभी वो एक्सपेंड कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। और अभी हम बात करें तो बाय द ईयर ऑफ 2022 रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को लेकर 130 गीगावाट्स हम लोग गीगावाट अचीव कर लेंगे, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी हम लोग अर्न कर लेंगे बाय द ईयर ऑफ 2022, और बाय द ईयर ऑफ 2030 अराउंड 450 गीगाहर्ट्ज तक। और अभी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक हम लोगों का थोड़ा सा काम स्लो हुआ था ग्रीन हाउस को लेकर, बट हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक्टिविस्ट का कहना है कि हमें ये चीज ग्लोबल लेवल पे लेके जानी है, और ऐसा नहीं है कि अगर कोई अदर नेशन नहीं कर रहा तो हमें नहीं करना होगा, क्योंकि अगर ये जो पैंडेमिक है ना, जैसे कोविड आया ना, तो कोविड की तरह ही है ग्रीन क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये इंपैक्ट किसी एक नेशन पे नहीं डालेगा, कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और इंडिया हमेशा से वर्क कर रहा है तुम्हारा सोलर पैनल को लेकर कि हम लोग सोलर पैनल पे आ जाएं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करें, क्योंकि सन तो भाई सन की एनर्जी तो रिन्यू कर सकते हैं ना, मतलब फिर से। बट फॉसिल एनर्जी को हम यूज एक बार कर देते हैं, उसके बाद It cannot be renewed, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग उस पर कम जाएंगे और हम लोग अब सोलर पैनल पे ज्यादा जा रहे हैं। सो इंडिया का वही कहना है कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा कमिटेड नेशन है इन दी G20 इन दी क्लाइमेट चेंज को लेकर। ओके, मूविंग फॉर्दर। सो ये एडिटोरियल जो है ये मैरिटल रेप के बारे में बताया गया। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या, अभी छत्तीसगढ़ में एक इवेंट हुआ था जिसमें वाइफ ने चार्जेस लगाए थे अपने हस्बैंड के ऊपर, और बोला था कि चार्जेस कौन कौन से लगाए, सेक्शन 376 जो कि रेप का बताते हैं, रेप के चार्जेस लगाए, उसके बाद सेक्शन 377 जो कि बताता है कैरनल इंटरकोर्स अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर, मतलब अननेचुरल सेक्स। अब तो बेसिकली हम बात करें तो वो लीगलाइज्ड है बाय द नवजोत सिंह जौहर, बट विद द कंसेंट लीगलाइज्ड है। अगर विदाउट कंसेंट आप कर रहे हो तो फिर वो अभी भी क्राइम है। तो सेक्शन 377 बताता है मतलब अननेचुरल सेक्स विदाउट अ कंसेंट इज अ क्राइम। तो 376 रेप, 377 देन 498 कैपिटल ए इट्स अबाउट द क्रुएलिटी, ये चार्जेस लगाए गए। और इनका ट्रायल चल रहा था अभी, तो जिसमें हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने बोला कि 376 के जो चार्जेस हैं वो डिस्चार्ज किए जाते हैं हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि मैरिटल रेप जो है वो इंडिया में क्राइम नहीं है, तो आप रेप का ऑफेंस नहीं लगा सकते अपने ही हस्बैंड के ऊपर। ये बेसिकली हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ने बताया। और बल्कि दो चार्जेस जो लगाए गए 377 और 498 कैपिटल ए जो क्रुएलिटी बताता है, वो उन चार्जेस के ऊपर ट्रायल चलता रहेगा, ये बताया गया। लेकिन ऑथर का जो कहना है, ऑथर ने कहा कि मैरिटल रेप भी क्राइम होना चाहिए इंडिया में। क्योंकि उन्होंने दो रीजन बताए। अब पहला रीजन उन्होंने बताया इनकंसिस्टेंट प्रोविजन कि हम बात करें तो मैरिटल रेप इज एन एक्सेप्शन इन द इंडियन पीनल कोड, है ना, एक्सेप्शन में आता है, बट मैरिज में एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि अगर ये मैरिज में एक्सेप्शन आ रहा है तो अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस भी एक्सेप्शन में आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हस्बैंड को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए उसको ट्राई कर सकते हो, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट के उसके ऊपर चार्जेस लगा सकते हो, मॉलेस्टेशन का उसके ऊपर चार्जेस लगा सकते हो, फोर्सिबली डिसरॉबिंग इन अ सेम वे इन एनी अदर मैन इन एज बाय एनी अदर मैन, उनके ऊपर आप चार्ज लगा सकते हो। तो हस्बैंड को हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं? आप हस्बैंड के ऊपर चार्ज लगा सकते हो, है ना। अगर आपकी शादी हो गई, ठीक है, तो आप सेक्सुअल हरासमेंट आप अपने हस्बैंड के ऊपर चार्ज लगा सकते हो, मॉलिस्टेशन का चार्ज लगा सकते हो। और मान के चलो आपकी शादी हो गई, शादी के बाद आप सेपरेट हो गए, मतलब डाइवोर्स नहीं हुआ, सेपरेट हुए, तब हस्बैंड अगर पुश करता है, फोर्स करता है, तो आप उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगा सकते हो अंडर सेक्शन 376 कैपिटल बी। और हस्बैंड कैन बी चार्ज फॉर दी नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स अदर देन पैनल वेजाइनल पेनिट्रेशन। ठीक है, मतलब पैनल वेजाइनल मतलब पीनस और वेजाइना का पेनिट्रेशन के अलावा अगर कोई और पेनिट्रेशन होता है और वो नॉन कंसेंशुअल है तो वो भी उसके लिए आप हस्बैंड को ट्राई कर सकते हो। नवजय सिंह जौहर के पहले कंसेंट की कोई जरूरत, कोई कंसेंट कोई वो नहीं रखता था, रेलेवेंट नहीं रखता था, लेकिन बाय दी नवजय सिंह जौहर 2018 में कंसेंट अगर है तो फिर आप ट्राइड नहीं किए जाओगे। ये चीज बताएगी, तो बताएगी कि देखा जाए तो ये प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट ही जा रहा है कि आप हस्बैंड को अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए आप ट्राई कर सकते हो बट आप रेप के लिए ट्राई नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली इनकंसिस्टेंट विद द अदर प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी। देन बताया गया पैट्रियार्कल बिलीफ्स। सेकंड देखो, मैरिटल रेप एक्सेप्शन है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 उसको ब्रीच करता है। आर्टिकल 21 कैसे? डिग्निटी, वुमेन की डिग्निटी जा रही है ना, चाहे मैरिड अनमैरिड, डिग्निटी तो जा रही है ना, अगर आप फोर्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। उसके बाद आर्टिकल 14 का वायलेशन है। 14 का वायलेशन इसी वजह से क्योंकि आप उनको जेंडर इक्वेलिटी नहीं दे रहे। और 2018 में केस हुआ था जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भैया एडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस बेसिस पे बोला गया था, रीजन बीइंग क्योंकि वाइफ को प्रॉपर्टी समझा जाता था, कि वाइफ को प्रॉपर्टी ना समझा जाए, इसलिए एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन वही बात हम मैरिटल रेप को देखें तो मैरिटल रेप में भी तो पैट्रियार्कल बिलीफ दिखा रहा है कि हस्बैंड का पूरा हक है अपनी वाइफ के बॉडी के ऊपर, जिससे उसकी बॉडिकल इंटीग्रिटी और ह्यूमन डिग्निटी सरेंडर हो जाती है। ओके, और गवर्नमेंट ने इसको, अच्छा ऐसा नहीं है कि केस नहीं हुआ, केस हुआ था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया था कि मैरिटल रेप को रेप की डेफिनेशन में डालना चाहिए, उसे क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट का स्टैंड था। गवर्नमेंट ने बोला था कि रेप इज एन इंस्टीट्यूशन, अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, क्रिमिनल ऑफेंस दे दिया गया, तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि मैरिज नॉट अ इंस्टीट्यूशन बट अ पर्सनल मैटर, है ना, कोई इंस्टीट्यूशनल मैटर नहीं है, मैरिज कोई इंस्टीट्यूशनल नहीं है, इट्स अ पर्सनल मैटर, और नथिंग कैन डिस्ट्रॉय द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एक्सेप्ट अ स्टैट्यू दैट मेक मैरिज इलीगल एंड पनिशेबल। अगर आप मैरिज को इलीगल और पनिशेबल बना लोगे, किसी चीज को आप पनिशेबल और लीगल बना लोगे, तब जाके वो इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करते हो तो वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला, ये ऑथर का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका उल्टा बोला था। सो अब अदर आर्ग्यूमेंट पे ऑथर ने दिया है, अदर आर्ग्यूमेंट ऑथर ने यही दिया कि अगर मान के चले कि मैरिटल रेप जो है, इट्स मैरिटल रेप इंडिया में क्रिमिनलाइज नहीं है, ठीक है, और क्यों नहीं है, उसका एक और रीजन है क्योंकि मैरिज इज अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये हम लोग मानते हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि मैरिज जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप है। लेकिन वही बताया गया कि मैरिज इज नॉट ओनली अबाउट द सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है, या आप ये चीज नहीं दे सकते, आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते कि मैरिज इज अबाउट द सेक्सुअल रिलेशनशिप। और एक और आर्ग्यूमेंट था कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, वो था कि ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वाइफ ने चार्जेस सही लगाए या फॉल्स चार्जेस लगाए, है ना ये। लेकिन वही ऑथर ने बताया कि आप उसके सेक्सुअल हिस्ट्री से पता लगाया जा सकता है, उसके क्लोथ से पता लगाया जा सकता है, उसके रिलेशनशिप स्टेटस से पता लगाया जा सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं ऐसे। तो फिर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी आप नहीं पता लगा सकते कि उसने रेप किया कि नहीं किया, तो सेम थिंग विल अप्लाई ऑन दी हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो, ठीक है। और वही फिर लास्ट में ऑथर ने लिखा कि इट्स अंडरलाइनिंग सबऑर्डिनेशन को लेकर ऑथर ने लिखा है कि भैया आईपीसी में देखा जाए तो अभी भी एक्सेप्शन 2 जो कि बताता है कि मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम, उस चीज को हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें इंटरनेशनल लॉ के इंटरनेशनल लॉ को अवॉइड करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल लॉ है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, उसका जो प्रोविजन है, उसका प्रोविजन बताता है कि मैरिज में अगर मैन फोर्स करता है, चाहे वो हस्बैंड भी हो, तो भी आप लायबल हो गए, ठीक है। तो उस चीज को हमें अवॉइड करना पड़ेगा और इंडिपेंडेंट थॉट जैसा केस फिर से होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते हम मैरिज की डिग्निटी और उसके इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। नहीं तो अगर आप ऑफेंस करोगे, मैरिटल रेप करोगे, तो उसकी इंस्टीट्यूशन को बल्कि हार्म हो रहा है, सेफ गार्ड नहीं किया जा रहा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, स्टिल हैंगिंग फायर ऑन ट्रांसपेरेंसी। अब इस एडिटोरियल से वेरी सिंपल एडिटोरियल, तो खुद से रीड करना। इसमें कुछ पॉलिटिकल बात भी की गई, लेकिन हाँ, इसका अपन ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू में बताया गया कि अगर हम क्रिमिनलाइजेशन की बात करें पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वहीं 2004 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 24% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए थे इन द 2004, वही 2019 में 43% से इंक्रीज हो गए, मतलब 43% हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। और अभी रिसेंटली जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज आरएफ नरीमन ने जजमेंट दिया था कि उन पॉलिटिकल पार्टीज के हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस रजिस्टर करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना था। और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था और उसमें बताया था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्सन को टिकट देती है, अपनी पार्टी का टिकट देती है, और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, तो पार्टी को बताना पड़ेगा कि क्यों दिया, रीजन क्यों दिया। फिर ऑथर ने बताया कि भैया ऐसा क्वेश्चन रेज हुआ था, जब ये चीज रेज हुई थी ना, ये वाला इश्यू, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि आपको रीजन बताना पड़ेगा कि आपने क्यों उस पर्सन को टिकट दिया जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, आपने अदर पर्सन को क्यों टिकट नहीं दिया जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे हुए हैं। तो ऐसा आर्ग्यूमेंट भी आया था कि भैया ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टीज बोल सकती है कि विनिंग सिचुएशन ज्यादा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं, विनिंग सिचुएशन का आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आपको यह बताना पड़ेगा कि वो मैरिट में कैसे अच्छा है अदर पर्सन से, ठीक है। लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, अराउंड 8 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस जजमेंट को नहीं माना, जिसके ऊपर अभी चलते जजमेंट में आर एफ नरीमन ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया। और वहीं बात इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात की गई, तो ओवरऑल जो एडिटोरियल है ना, ये बता रहा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज में, चाहे वो क्रिमिनल मैटर को लेकर हो, चाहे वो किसी पर्सन को लेकर हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर हो। सो रीड इट, सिंपल वन, बहुत सिंपल एडिटोरियल है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, सो आदित्यनाथ, कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, जिसमें जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, वो मथुरा गए और मथुरा में जाकर उन्होंने सेलिब्रेट तो किया कृष्ण महोत्सव को, उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और बोली। उन्होंने बोला कि मथुरा में लिकर और मीट के सेल पर कंप्लीटली बैन लगा दिया जाएगा, और जो लोग ये बिजनेस करते हैं लिकर का और मीट का, वो लोग अब अपना बिजनेस चेंज करें और बेसिकली सेलिंग ऑफ मिल्क वाले बिजनेस पे आ जाए। मूविंग फॉरदर, सो जेएनयू के जो एक हिस्टोरियन है एंड प्रोफेसर, उनका कहना है कि अभी जो जलियांवाला बाग का जो रेनोवेशन किया गया, दैट्स नॉट अ रेस्टोरेशन, जो रेस्टोरेशन किया गया रिसेंटली, दैट्स नॉट अ रेस्टोरेशन, दैट्स अ रेनोवेशन। क्योंकि अभी जो चेंजेस आए हैं जलियांवाला बाग में, वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करते हैं, क्योंकि जो कुआं है, उस कुआं, जो कुएं में जिसमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 1919 में, जिसमें बहुत सारे लोग उस वेल में गिर गए थे, उस वेल को कवर अप कर दिया ट्रांसपेरेंट शीट से, और जो नैरो पाथ है जलियांवाला बाग का, उस नैरो पाथ में बेसिकली बहुत सारी ड्राइंग्स बना दी, वॉल्स पर ड्राइंग्स बना दी, और गार्डन को ब्यूटीफुल गार्डन कर दिया। भाई प्रोफेसर कहना है कि वो अब ये एक बेसिकली टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, और एक नई फीचर्स ऐड कर दिए उसमें, तो जिससे हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करता है, क्योंकि कभी भी जलियांवाला बाग ब्यूटीफुल गार्डन कभी था ही नहीं, ठीक है। और हम जलियांवाला बाग में जाते हैं तो हम एक उस सिंपैथी के साथ जाते हैं कि कितना पेन या कितना हमें इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना पड़ा था, लेकिन उस चीज को अभी रिसेंटली डिस्टॉर्ट किया गया बाय द रिसेंट रेस्टोरेशन, और उन्होंने टर्म दिया कि दैट्स नॉट अ रेस्टोरेशन, दैट्स अ रेनोवेशन। मूविंग फॉरदर, सो एजेंसी की रिपोर्ट आई, एजेंसी में बताया गया कि तालिबान ने किसी भी लोगों के पासपोर्ट नहीं लिए, है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था लास्ट वीक हमने न्यूज पढ़ी थी जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि जितने अफगान नेशनल्स को हमने वीजा सप्लाई किया उन सारे के सारे वीजा कैंसिल हो जाएंगे और फिर से वीजा जो है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और रीजन ये दिया था गवर्नमेंट ने कि हम वीजा को कैंसिल इस वजह से कर सकते हैं, प्रीवियस वीजा को इस वजह से कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अफगान नेशनल्स के पासपोर्ट जो है सीज कर लिए गए बाय तालिबान। लेकिन वहीं वीजा एजेंसी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तालिबान ने किसी का भी पासपोर्ट सीज नहीं किया। तो आज इंडिया का लास्ट डे है, या आप बोल सकते हैं कल ही इंडिया का लास्ट डे था क्योंकि अब यूएनसी की मीटिंग नहीं होगी। इंडिया का प्रेसिडेंट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज अ 15 मेंबर नेशनल बॉडी जिसमें से 5 परमानेंट बॉडी तो होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसमें से इंडिया 2 साल के लिए इलेक्ट तो हो गया नॉन परमानेंट मेंबर्स में। लेकिन 15 मेंबर्स जो है इनकी जो प्रेसिडेंशियलशिप है ना यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, ये 15 मेंबर्स बेसिकली चेन के थ्रू चलते रहते हैं, हर महीने इनकी चेंज होती रहती है प्रेसिडेंसी, हर महीने, ठीक है। तो अगस्त का जो मंथ था उसमें इंडिया प्रेसिडेंट था, उसमें बताया गया, जिसमें लास्ट में कल जो मीटिंग हुई जिसमें फॉरेन सेक्रेटरी जो थे हरवचन श्रृंगला, उनका कहना था, उन्होंने बोला कि इंडिया जो है पैलेस्टीन पीस प्रोसेस को सपोर्ट करता है और वो चाहता है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में फिर से पीस प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और देखा जाए तो पूरा ओवरऑल बताया गया कि पूरे ओवरऑल मंथ में जो डिस्कशन हुआ जिसमें मेजोरिटी ऑफ जो बात हुई वो अफगानिस्तान क्राइसिस को लेकर बात हुई, उसने सबसे डोमिनेट किया है इस मंथ में जिसमें इंडिया प्रेसिडेंट रहा। मूविंग फॉरदर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो किसी भी पर्सन का राइट टू मूव फ्रीली और रिसाइड कर्टेल नहीं कर सकता, ना ही लेजिस्लेचर कर्टेल कर सकता है ना। एक्सेप्शनल केसेस में आप कर्टेल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई फिल्मी कंडीशंस है, फिल्मी ग्राउंड है तो आपने उस बेसिस पर उसके राइट्स कर्टेल कर दिए, नहीं, आप उसके राइट्स कर्टेल नहीं कर सकते, कुछ रीजन होना चाहिए तब जाके आप कर पाओगे। मूविंग फर्दर, रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया कि बाई द ईयर ऑफ 2024 वंदे भारत ट्रेन, इट्स अ सेमी स्पीड ट्रेन जो है, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, मैक्सिमम स्पीड जो उनकी है वो 102 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी बाई द ईयर ऑफ 2024। और हम बात करें तो ये पहले ट्रेन 18 के नाम से फेमस थी, उसके बाद इनका नाम चेंज करके वंदे भारत रख दिया और इनको जो बनाता है वो है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये बनाती है, ठीक है, तो याद रखना ये। मूविंग फर्दर, अभी जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है जिसमें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है 6 लाख करोड़ रुपीस लाने का, तो जिसमें अगर हम बात करें तो इंडिया में 4 फुली फंक्शनल माउंटेन्स और टेराइंस पर रेलवे नेटवर्क्स है ना, क्योंकि माउंटेन्स पर नॉर्मल ट्रेन्स नहीं चलते, ठीक है, तो माउंटेन्स और हिली टेराइंस पर इंडिया में 4 ऑपरेशनल नेटवर्क्स हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं। एक तो दार्जिलिंग वाला, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जिसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसको दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भी बोलते हैं अपन, है ना, वो जो कि 1979 1981 से चल रही है टॉय ट्रेन, और 1999 में उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट भी कर दिया गया था ट्रेन को, ओके। एंड तो अब 4 ये समझना कौन सी है, तो दार्जिलिंग हिमालयन रेल्स है, मतलब ये, अच्छा याद रखना ये ईस्टर्न पार्ट, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद रखना, तो ईस्ट में दार्जिलिंग वाला, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है, उसके बाद है नीलगिरी, तो नीलगिरीज कहां पर है, तमिलनाडु में, सो इट्स इन दी साउथ, ओके। देन नीलगिरीज के बाद आपका आता है तुम्हारा नॉर्थ, तो नॉर्थ में है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश वाला। देन अब बचा कौन सा, वेस्ट, तो वेस्ट में कौन सा है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो इट्स मथेरा, इस मथेरन रेलवे लोकेटेड इन दी महाराष्ट्र, इट्स इन दी वेस्ट साइड, याद रखना। चलो मूविंग फर्दर, पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल्स को लेकर जो कि जम्मू एंड कश्मीर की ग्लोरी है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर, पश्मीना शॉल्स को जीआई टैग भी मिल रखा है क्योंकि वो सिर्फ वहीं मिलती है, वहीं बनती है जम्मू एंड कश्मीर में, और जीआई इज वन ऑफ दी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी है, जीआई टैग उसको मिल रखा है पश्मीना शॉल को। लेकिन पश्मीना शॉल धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, उसी चीज को लेकर जम्मू एंड कश्मीर जो है उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले जो वेजेस दिए जाते थे विमेन को फॉर मेकिंग अ पश्मीना शॉल, वो था कितना, 1 रुपी पर नॉट फॉर 10 थ्रेड्स विद 10 इंच लॉन्ग, या उसको 2 रुपए कर दिया, है ना, पहले ₹1 था, वो ₹10 कर दिया पूरी एक शॉल को बनाने के लिए। पूरी एक शॉल तो बहुत महंगी आती है, पूरी एक शॉल जो है वो अराउंड बेसिकली ₹12,000 की आती है, हैंड वेबिन शॉल होती है, ठीक है। सो इस चीज को लेकर जो है उसको जीआई टैग भी मिल रखा है और उसको सपोर्ट करने के लिए एमएसपी ला दी गई उन पश्मीना शॉल्स को बनाने के लिए और एक नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो पश्मीना शॉल याद रखना, पश्मीना शॉल इज बेस्ड कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर। मूविंग फॉरदर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, तो कल परसों यूएस ने स्ट्राइक किया था जिसके चलते ड्रोन अटैक किए थे, जिसमें से देखा जाए तो टेररिस्ट अटैक्स को रोका गया था। लेकिन रिपोर्ट से बताया गया कि एक फैमिली की 9 मेंबर्स की डेथ हुई है, जिसमें से 6 बच्चे हैं और अदर एडल्ट्स हैं, 3 एडल्ट्स हैं और 6 बच्चे थे जो यूएस ने अटैक किया था, ड्रोन अटैक किया था, जिसमें से सिविलियंस की भी डेथ हुई है। तो यूएस ने बोला कि हम लोग सिविलियंस की डेथ हुई है उसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम लोग और किसी की रिपोर्ट्स पर हम बेस नहीं हो सकते, तो हम लोग खुद इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तालिबान ने एक स्टेटमेंट दिया, तालिबान ने बोला है कि अगर यूएस पूरे तरीके से एग्जिट कर जाता है अफगानिस्तान से तो इस्लामिक स्टेट्स मतलब आईएसआईएस जो है वो अटैक रोक देगा, अटैक नहीं करेगा। ये कहना है तालिबान का, ओके। क्योंकि अफगानिस्तान जब तालिबान जो है जब यूएस जो है पूरी तरीके से निकल जाएगा तो अब अफगानिस्तान पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट बन जाएगा तो आईएसआईएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस्लामिक स्टेट्स आईएसआईएस जो है वो अटैक नहीं करेगा अफगानिस्तान में, ओके। सो वहीं हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज की, इकोनॉमिक न्यूज में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है। समथिंग अबाउट दी सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स और टेलीकॉम सेक्टर्स के बारे में है जो कि हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स फ्रॉम दी स्पोर्ट्स न्यूज, दैट इज अबाउट पैरालंपिक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस, तो ये जरूर पढ़ना, ठीक है। तो नाम याद रहेंगे और पता लगेगा कौन से इवेंट में है, तो ये अच्छा ये नहीं पढ़ना तो ये चीज पढ़ लेना, ये सारे जिनकी हिस्ट्री पता लगेगी, जिन जिन लोगों ने मेडल जीते हैं, ओके। सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।